अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माई चैनल ताहिरा कुकिंग एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइस, आज मैं आलू चिकन बना रही हूँ, उसी चीज़ें से रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वही सिंपल से सादा मसाले जो हम डालते हैं रोज़मर्रा की रूटीन में, वही है। कोई जैसे बड़ी कोई लिस्ट नहीं है मसालों की, हल्के फुल्के से जो हम मसाले हर रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वही है। तो मैं यह डाल रही हूँ इसके अंदर। फिर ऑयल गर्म कर लिया। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर प्याज और लहसुन डाले। लहसुन मैंने आज पीसा नहीं है, ऐसे साबुत साबुत जिसके जबे हैं मैंने वही डाल दिए। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया ब्लॉग आप लोगों तक पहुँच जाएगा और मेरी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों की हेल्प की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइज, सीरियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस, मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डालकर इसको जो है मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिए। ये मैं सुमक के तौर पे इसके अंदर कलौंजी डाल रही हूँ। गाइस, मेरे बच्चे टीवी देख रहे हैं, आप लोगों को जैसे आवाज़ मेरी वीडियो में आ रही थी, मैं इसलिए मेंशन करती हूँ इस बात को ताकि फिर कोई टीवी की आवाज़ की वजह से हमारा जो है कोई फिर कोई कॉपीराइट क्लेम ना बने हमारी वीडियोस पर। तो आपको पीछे से आवाज़ आ रही होंगे टीवी से। क्योंकि एक कॉपीराइट क्लेम बनना और फिर जो है वो कॉपीराइट क्लेम जब बनता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इसको रिमूव करने में, इसको हटाने में। ये मैं आलू डाल रही हूँ गाइस इसके अंदर। ये टमाटर इसके जीरा डाल दूँ गाइस, ऑल टाइम कर दे जीरा। मैं इसको और बघार में डालना भूल गई। अब गाइस इसको मैं मिला जुला के मिक्स करके रख रही हूँ। चलो चलो